अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप। आज आयान इलेक्ट्रॉनिक्स पे मैं आपसे शेयर करूंगा TR-66-816 कार्ड के बारे में, जो कि एक कॉम्बो बोर्ड है। ये आप देख सकते हैं, न्यू बोर्ड है और इसमें एक मसला है कि इसका सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है अभी तक ना। तो जिनके पास ये बोर्ड पड़ा है उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको बताऊँगा कि इसमें मेन वोल्टेज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि मेन वोल्ट जो है हमारे वो 12 होने चाहिए रेगुलेटर पे। तो ये देखें 12 वोल्ट आ रहे हैं, है तो ये 220। तो सबसे पहली कॉइल पे हमें चाहिए 5 वोल्ट, वो भी हमें रिसीव हो रहे हैं, और सेकंड वाली पे चाहिए 1 वोल्ट, वो भी हमारे पास आ रहे हैं। और इसके बाद मैं लाइट को कर लेता हूँ ऑन, और सबसे पहले मैं आपको पैनल के वोल्ट बताता हूँ। 12 वोल्ट हैं, ये भी हमारे पास रिसीव हो रहे हैं। इसके अलावा ये आगे एक आईसी लगी है 1118 ये वाली, तो स्टैंड बाय रिलीज़ होते ही इसके ऊपर 1/7 पहली दो पिन पे आने चाहिए, देख ले आ रहे हैं। साथ ही 3/3, फिर 3/3। इसको फोकस करने का मकसद ये है कि आपकी जब भी आईसी ख़राब होती है तो एलईडी रेड लाइट से रिलीज़ नहीं होती, आप प्रेस करते हैं बटन को रेड से फिर ग्रीन होकर फिर रेड हो जाती है। तो ये देखें, अभी मैंने रेड लाइट पे करके आपको चेक करवा रहा हूँ, इसकी पहली पिन पे अभी भी देख लें 1/7 नहीं आ रहे। अगर आपकी स्टैंड बाय पे वोल्टेज आए 1/7 तो आपकी आईसी ख़राब है, लेकिन ये देख लें अभी नहीं आ रहे। जब मैं इसको स्टैंड बाय से रिलीज़ करूँगा तब 1/7 आएंगे। तो इसको फोकस करने का मकसद है कि मेन यही आईसी ख़राब होती है इस कार्ड के अंदर ना, तो एलईडी रिलीज़ स्टैंड बाय से नहीं होती। ये देखें जी, वोल्टेज आ रहे हैं जी हमारे पास पैनल पे भी, और ये भी वोल्टेज चेक करते हैं बैक लाइट्स के। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।